चंदन क्यारी में आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह में सुदेश महतो बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लीडर चुने दल नहीं, आज राज्य को अच्छा ड्राइवर की जरूरत है। आप वातावरण तैयार करिए, 2009 में जैसे वातावरण बनाए थे, चंदन क्यारी में फिर से आप अपना विधायक चुनने का काम करें। बोकारो में कहीं भी पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, सिल्ली में केजी से पीजी तक पढ़ाई होती है। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे गैर जिम्मेदार सरकार को एक दिन भी बैठने का अधिकार नहीं है। अपने को आदिवासी नेता कहने वाले आज बताएं कि कितने आदिवासियों का विकास किया है। पढ़ाई, दवाई और न्याय आज समाप्त हो चला है। इस दौरान उन्होंने बताया कि चाबी किसी और का और इंजन किसी और का चल रहा है। जो चेहरा आप देख रहे हैं वो असली चेहरा नहीं है। पार्टी को हमेशा आंदोलन करते देखना चाहिए। गांव गांव पत्ता पत्ता आजसू बोले ऐसी तैयारी करें। लोग दलदल में फंस गए हैं। देखो, हर चीज़ का बात का बतंगड़ बनाने के आदत से बाहर आई। पार्टी के प्रति, लीडर के प्रति लोगों का विश्वास है। यही लोग जो अधिकतर लोग हैं किसी दल में, हमारे दल के अधिकतर लोग थे। यही हमारा परिवार था। हमारा परिवार के लोग इधर उधर बिखर गए थे। अब समझ के वो अपने परिवार को मजबूत करने के लिए वो वापसी सभी लोग कर रहे हैं। दल अलग अलग गए थे, अलग अलग दल से पार्टी में सभी की वापसी हुई। बात का बतंगड़ था, आपने मुख्य प्रवक्ता ही बोले कि दल दल में फंसे रहते थे। नहीं, उसको और आगे क्यों ले जा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको रोष हुआ होगा। जिस दल में गए थे वहाँ कहीं ना कहीं इससे बड़ा कल्पना देखे थे। कल्पना उनका पूरा ना हुआ तो वो वापस आए हैं दल के अंदर में। उनको लगा कि इसी पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए इस राज्य को और चंदन क्यारी को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपने कहा कि राज्य में वसूली की सरकार चल रही, वसूल नहीं। मैंने कहा यह सच्चाई है कि नहीं? आप बोल दो, यह सच्चाई है कि नहीं? अगर ऐसा ना होता तो मंच पर हमारे राजनेता या पूरे राज्य में आज जाके लोग का हालात देख लो। किसी एक किसान से पूछ लो, अगर बिना पैसे का एक भी पदाधिकारी कोई काम कर रहा है तो वो उदाहरण बना दो, सम्मानित करने का अवसर देंगे। लेकिन उमाकांत रजक जी ने कहा कि वर्तमान में जो विधायक है वही बैठ के मोटेशन करवाते हैं और पैसा ले रहे हैं, तो आप मानते हैं आपका सहयोगी दल है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा सहयोगी है, दल है निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं जब प्रतिनिधि हैं तो उनके प्रति जिनको जो आचरण में होना चाहिए, जो नेतृत्व देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए इन बातों को रखे हुए। लेकिन जिस प्रकार से आपने पहले भी चुनाव लड़ा, अभी लोकसभा का भी इलेक्शन आ रहा है, डुमरी उपचुनाव में, क्या मानते हैं चंदन क्यारी में फिर से गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या फिर सीट आपको छोड़ेंगे? ये आने वाले समय आप देखिएगा। मैंने पार्टी के लोगों को, पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है, चूँकि आजसू का पुराना स्थान है, यहाँ आजसू मजबूती से रही है। किसी कारणवश पार्टी चुन के नहीं आ पाई, लेकिन इसका मतलब खेत छोड़ देना नहीं, खेत पे काम जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, जैसे चर्चा है कि गिरिडीह आप लोगों ने देखे, हजारीबाग की चर्चा, मुझे इतना एडवांस चर्चा के बारे में मुझे अभी पता नहीं। अभी हम लोग गिरिडीह, निश्चित रूप से पिछले बार हमको हमारा नेतृत्व रहा है, आगे गिरिडीह को लेकर, विधानसभा को लेकर, गठबंधन पर भी चर्चाएँ होना बाकी। और एक है डुमरी उपचुनाव, सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पूर्व सहयोगी रहे जोगेंद्र महतो ने कहा कि आप लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाया जाके उनके चिता के सामने, लेकिन आज उनके साथ खड़े रहने की बात कही थी और आज आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। श्रद्धांजलि के रूप में उनको सीट